अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप सब ठीक है और अपने अपने घरों में महफूज है। चलिए, हम पढ़ाई शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। सर, एक दो बच्चों को म्यूट कीजिए ना, अनम्यूट जी कीजिए ना, एक दो बच्चों। चलिए बच्चे, दुआ के लिए हाथ उठाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी श्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लिल ख़ैर। आमीन। चलिए बच्चों, हमने अभी दुआ पढ़ ली, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? अभी हमारी पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है? जो बच्चे अनम्यूट हैं वो हमें आंसर देंगे, और जो बच्चे म्यूट है तो हमें चैट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हमें इतना तो आता है कि अभी हम सीख गए हैं चैट बॉक्स में कैसा टीचर को रिप्लाई देने का, ठीक है बच्चों? आप लोग तो बहुत अच्छे और समझदार बच्चे हो, और शोर नहीं करेंगे। सर, शेयर करूं? किसकी? स्क्रीन शेयर करूं? तुम बेच के देखो फिर तुमको। शेयर कीजिए टीचर। शाहीन पठान, टीम नंबर 9। मैं ना नीचे आपको को सेंड करती हूँ मीटिंग। अच्छा ठीक है, मेरा को कॉल कर देती हूँ। तो समझ रहा ना मुझे, पर मेरा काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हमारा टीम का सुपरवाइजर है वो। जी चलिए बच्चों, स्क्रीन पे देखिए, स्टेट लेवल जूम लेसन, मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, एडेड उर्दू प्राइमरी सेक्शन, अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर इकबाल रहमतुल्ला शेख, ये हमारे बीओ ऑफिसर है, एंड द ग्रेट सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल मिस्टर महेश पालकर सर, ये हमारे ईओ ऑफिसर है, ठीक है। अंजुमन नूरुल इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल साकिना का से मैं मौलिमा आमीना बेगम मोहम्मद अबू बकर मेमन। बच्चों, आप कौन से जमात में पढ़ रहे हो? कौन सी जमात है बच्चों? चौथी जमात। शाबाश, तो हमारी जमात कौन सी है? जहारूम। अच्छा, जहारूम जमात में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं? उर्दू, इंग्लिश, इज्जत, ग्रामर। तो बच्चों, आज जो है मजमून उर्दू पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उर्दू में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? ग्रामर। उर्दू में नजम पढ़े हो? नजम, गीत, कवायद। अच्छा, सबक भी पढ़े हैं। पता है सबक को नज़्म कहते हैं, और उर्दू का एक चौथा तीसरा एक हिस्सा होता है जो अहम होता है, वो है कवायद, ठीक है, जिसके जरिए हम उर्दू ज़बानदानी को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं अगर हमें कवायद आ जाए तो।
चलिए अब हम उर्दू कवायद में क्या पढ़ने वाले हैं देखिए देखिए हम कोई ना जब हम सबक पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है ना। तो आज का हमारा तदरीसी मकासिद देखिए बच्चों, उर्दू ग्रामर के उसूल और कवायद को जान सके, यानी उर्दू हम जो सीखने वाले उसके कवायद है, उसके उसूल और जवाबित है, क्या है आसानी से हम जान सके। दूसरा मकसद है हमारा सिफत और मौसूफ की पहचान कर सके, जो आज हम सीखेंगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसे आसानी से पहचान कैसा कर सके। ठीक है चलिए, आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आया बच्चों? यस टीचर। हाँ चलिए अभी देखिए ये फूल कौन सा है बताइए हमें नाम। गुलाब। गुलाब, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी हमें बताइए कि ये किस रंग का है? लाल। शाबाश, लाल। अच्छा गुलाब जो है वो लाल रंग में होता है कि और कलर में भी होता है? बहुत सारे कलर में होता है, होता है ना। हाँ गुलाबी होता है, फिर सफेद होता है, पीला होता है। ठीक है उसके बाद में हमें बताइए कि तो ये जो फूल है वो आपको कैसा लग रहा है, कैसा लगता है आपको, देखे हो ना कैसा लग रहा है? अच्छा अलग लगता है, अच्छा लगता है ना। तो ये हमको ये कैसा लगता है? खूबसूरत लगता है। अच्छा बच्चों हमें बताइए कितने फूल है, कितने फूल है बच्चों, कितने फूल है बच्चों ये? एक। एक, शाबाश। देखिए यहाँ पर हमने फूल एक लफ्ज को लेकर इतने हमने सवाल बनाए हैं कि फूल कौन सा है, तो गुलाब है, फूल का रंग लाल है, खूबसूरत है और फूल एक है, यानी गुलाब लाल खूबसूरत एक। ये पता है क्या है आपको? किस खूबी है? खूबी बताने वाला लफ्ज है, तो खूबी बताने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं पता है? ये फूल की सिफत है। तो बच्चों आज हम उर्दू कवायद में क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिफत। समझ में आया? आज हम कवायद में सिफत पढ़ेंगे। हम सिफत पढ़ने से पहले हम उसकी तारीफ पढ़ते हैं। सिफत वो लफ्ज है जो किसी शख्स या चीज की खूबी, तादाद या मेहदार को जाहिर करता है। यानी जो इस्म होता है, जो सिफत होता है, वो किसी इस्म की खूबी तैयार करता है। जैसे आसान जबान में देखेंगे हम के इस्म की खुसूसियात बताने वाले लफ्ज को सिफत कहते हैं। जैसे हमने पहले मिसाल में देखा कि फूल जो है वो हमारा इस्म है, लेकिन उससे जो हमें उसकी खूबी मालूम पड़ी वो उसकी सिफत है। जो खूबी बताने वाला लफ्ज था गुलाब लाल खूबसूरत एक, वो उसकी सिफत थी। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है बच्चों? क्या नजर आया आपको? एक बच्चा है ना, एक लड़का है। चलिए अब हम ये लड़के को एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिए किचन ने इसको? अली। ठीक है अब देखिए हमारा झूला कैसा है, ये लड़का अली कैसा है? अली अकलमंद है। अली जो है वो अकलमंद है। तो यहाँ पर अली की कौन सी खूबी बयान हो रही है बच्चों? कौन सा लफ्ज जाहिर हो रही है? अकलमंद। अकलमंद, हाँ। तो अकलमंद जो है वो अली की क्या है? खूबी है। और ये जो लफ्ज है अकलमंद, जो जाहिर कर रहा है कि अली जो है वो अकलमंद है, तो अली की ये क्या है बच्चों? ये उसकी सिफत है। क्या है उसकी सिफत? अभी हमने पढ़ा ना कि इस्म की खुसूसियत वो खूबी में भी हो सकती, खामी में भी हो सकती, अच्छाई में भी हो सकती, बुराई में भी हो सकती। जो जाहिर होता है जो लफ्ज, वो इस्म की जो है वो सिफत होती है। तो अली यहाँ पर क्या है? अली यहाँ पर कौन है बच्चों? यहाँ पर अली इस्म है। इस्म की, हाँ अली की सिफत बताई गई है ना, तो जिसकी सिफत बताई जा रही है वो अली है। और क्या उसकी खूबी है? वो है अकलमंद। अली जो है वो अकलमंद है। समझ में आया? चलिए अब हम आपके एक और मिसाल के जरिए देखते हैं। ये देखिए ये कौन है? कौन है? एक लड़की है। आप हमें ना चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो जो म्यूट है। ठीक है देखिए ये बच्ची जो है कैसी लग रही है आपको? डरी हुई लग रही है ना। चलिए हम इसका भी एक नाम दे देते हैं, समीरा डरपोक है। अब यहाँ पर समीरा जो है उसकी कौन सी खूबी बताई गई है या खामी बताई गई है बच्चों? कौन से लफ्ज से जाहिर हो रहा है?
बताओ। डरपोक। डरपोक, तो डरपोक जो है डरना अच्छी बात होती है जरा जरा बात पे, नहीं ना? तो ये समीरा की क्या हुई, खूबी हुई के खामी हुई? खामी। क्या हुई बच्चों? खामी। ठीक है, तो ये डरपोक जो है समीरा की क्या है, सिफत है, यानी समीरा की खामी बताने वाला जो लफ्ज है डरपोक, वो समीरा की सिफत है। और समीरा क्या है, समीरा है इस्म। इस्म की खूबी बताई गई है, यानी समीरा की सिफत बताई गई है कि समीरा क्या है, डरपोक है। तो दोनों मिसालों से हमने देखे कि खामी खूबी, और दोनों से सिफत हमको हासिल हुआ है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए मौसुफ। मौसुफ क्या है, ये आप लोगों के लिए नया वर्ड है, नया लफ्ज है। ये आपको मालूम है कि क्या है, लेकिन ये नया लफ्ज है, इसके लिए आपको नहीं समझ में आ रहा। चलिए हम देखते हैं। देखिए, जिस किस्म की सिफत जैसे खूबी व खामी हालात बयान हो रही है, वो इसमें मौसूफ कहलाता है। जैसे हमारी पहली मिसाल क्या थी, मिसाल के तौर पे बताओ, अली अकलमंद है ना? अली की कौन सी सिफत आई थी, अकलमंद। ठीक है, और किसके बारे में बात हो रही थी, अली की। तो अली क्या है, अली हमारा इसमें मौसूफ है। समझ में आया, जिसके बारे में बात की जाए, जिसकी खूबी खामी बताई जाए, वो हमारा इसमें मौसूफ होता है। जैसे दूसरी मिसाल में फिर कौन होगा, इसमें मौसूफ कौन होगा बच्चों, बताइए। दूसरी मिसाल याद कीजिए, अभी टीचर ने बताए थे समीरा डरपोक है, उसमें इसमें मौसूफ कौन होगा, किसके बारे में था वो, समीरा। समीरा, शाबाश, वेरी गुड। यानी जिस इस्म के बारे में बात हो रही है वो हमारा मौसूफ होता है, और उसकी खूबी खामी जो लफ्ज से जाहिर हो रही है वो उसका सिफत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सिफत की किस्में, आप लोगों को पता है सिफत की कई किस्में हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो बहुत अच्छे से और डिटेल में उसको पढ़ोगे। आज हम देखते हैं उसकी किस्में कौन कौन सी है। देखिए ये क्या है, सिफते जाती है ना, फिर है सिफते अददी, फिर है सिफते मकदारी, उसके बाद सिफते इशारा, उसके बाद सिफते निस्बती, और आखिर में है सिफते सवालिया। हाँ, ये जितनी है यहाँ पर किस्में, आज इसमें से हम चंद किस्में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले क्या आ गया, सिफते सिफते जाती। ठीक है, आप देखते हैं स्क्रीन पे, देखिए आपके, उसकी पहले हम तारीफ देखते हैं। सिफते जाती किसे कहते हैं, सिफते जाती उस सिफत को कहते हैं जो किसी इस शख्स या चीज की खूबी खामी को जाहिर करे। ठीक है, जिसकी खूबी खामी जाहिर हो रही है, और कौन सी खूबी जाहिर हो रही है उसकी, या खामी जाहिर हो रही है, तो उसकी सिफत होती है। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई चीज अच्छी लगती है हमें, या कोई जगह बहुत खूबसूरत होती है, तो ये सब चीज क्या है, उसकी खूबी। या कोई चीज ऐसी होती है जो उसकी खामी को जाहिर करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, दिखाई दिया, लोमड़ी। स्क्रीन पे लोमड़ी है, पहचान लो उसके, लोमड़ी है। ठीक है, अच्छा आपने लोमड़ी के बारे में कुछ सुना है, लोमड़ी कहाँ आती है, लोमड़ी जंगल, जंगल में रहती है ना। लेकिन जब हम जंगल की कहानियां सुनते हैं, जानवरों की कहानियां सुनते हैं, तो उसमें लोमड़ी का जिक्र होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है ना। तो उसकी उसकी क्या चीज की मतलब जिक्र होता है, कैसी होती है लोमड़ी, अकलमंद, अकलमंद होती है, और चालाक, चालाक होती है, वेरी गुड। जैसे आपने तीसरी में पढ़ा है ना सबक, बताइए सबक का नाम क्या था, बताओ, कछुआ और लोमड़ी ना, लोमड़ी। तो वो अपनी चालाकी से अपने दोस्त की जान बचाती है, यानी लोमड़ी कैसी जानवर है, लोमड़ी चालाक है। ठीक है, यहाँ पर हमें बताइए बच्चों कि लोमड़ी की सिफत क्या बताई गई है, यहाँ पर कैसी सिफत, चालाक, चालाक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चालाक जो है लोमड़ी की सिफत है। अब ये कैसी सिफत है पता है, ये उसकी खुद की है ना, उसकी खुद के बारे में है, तो उसकी सिफते जाती है। सिफते जाती,
सिफत जाती उसकी खुद के बारे में है, उसकी सिफत है यानी उसकी वो फितरत है, वो चालाक की है। समझ में आया? चालाक जो है वो सिफत जाती है लोमड़ी की। और यहाँ पर लोमड़ी क्या हुई? हमारी इस्म हुई। चलिए ये देखिए, ये आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? सेब। आपको क्या कह रहा है वो? हेलो बोल रहा है ना, सुबह का टाइम है, आपको सलाम कर रहा है वो। ठीक है, आप लोगों ने देखे हो सेब, खाए हो? यस। कैसा रहता है खाने में, कैसा है इसका जायका? मीठा। हाँ, तो सेब मीठा होता है। मीठा होता है ना सेब? हाँ, कड़वा भी होता है, मीठा होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें बताइए कि सेब की कौन सी सिफत जाहिर हो रही है, कौन से लफ्ज से जाहिर हो रही है? मीठा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हमें बताइए कि इसमें इस्म कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? सेब। सेब। सेब के। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोग तो समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना, अली की तरह आप सब अकलमंद हो। अब हमें बताइए कि इसमें सिफत जाती किस लफ्ज से जाहिर हो रहा है सेब की? सेब की। उसकी सिफत क्या बताई गई है यहाँ पर? कैसा है सेब? मीठा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेब जो है वो मीठा होता है, और मीठा जो है वो मिठास उसकी सिफत जाती होती है। समझ में आया आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे आपके, ये कौन है बच्चा बताओ, कौन है? लड़का। लड़का है। कैसा लग रहा है आपको? खुश है ना? बहुत मायूस है। हाँ, मायूस। मायूस है और उदास है ना? आप लोगों को अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो आप उदास हो जाते हो ना, होते हो कि नहीं? वेरी गुड, हो जाते हो ना। तो वो भी हमारी एक हालत है ना, हमारे फितरत की एक चीज है जो हम फौरन हमारे रिएक्शन हम दे देते हैं। हम खुश होते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, हम अगर दुखी हो जाते हैं तो हमारे फेस पे फौरन पता चल जाता है। तो ये जो लड़का है वो नदीम है, पता है? और नदीम है ना हमेशा उदास रहता है, उसको कोई चीज जल्दी अच्छी नहीं लगती, वो उदास उदास सहमा सहमा सा रहता है। कोई कोई बच्चे रहते हैं ना शर्मीले होते हैं, कोई हसमुख मिजाज होते हैं, कोई खामोश तबीयत के होते हैं, होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। हाँ, तो ये जो बच्चा है नदीम वो उदास ही रहता है हमेशा। तो बच्चों हमें बताइए कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है? उदास कौन है? नदीम। तो इसमें इस्म क्या हुआ, कौन है इसमें इस्म? नदीम। नदीम। शाबाश। अब उसकी सिफत किससे जाहिर हो रही है, उसकी सिफत जाती किस लफ्ज से जाहिर हो रही है? उदास। शाबाश, क्योंकि वो हमेशा उदास ही रहता है ना, उसको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ आया, क्या है ये? लड़के। लड़के है ना, दो लड़के हैं। चलिए हम एक लड़के का बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है? मस्ती कर रहा है ना, शरारत कर रहा है। हाँ, शरारती बच्चा है ये। बाकी बच्चे लोग भी तो बच्चा है ना, जो पढ़ रहा हो। जब ब्रेसेस होती है, वो क्या है? वो लोग कैसे पढ़ रहा है इतने अच्छे से? खेलते हो ना, ना मारपीट वाली ही मस्ती होती है आप लोगों की। जो बच्चे शरारत करते, जो शरारती होते हैं, उनकी मस्ती फौरन टीचर को भी नजर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अहमद बहुत शरारती लड़का है। अहमद बहुत शरारती लड़का है। हाँ, तो बच्चों अहमद की कौन सी सिफत जाहिर हो रही, किस लफ्ज से? शरारती। 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 हाँ, ये उसकी जो है शरारती सिफत है, सिफत है जाती, सिफत है ना। हाँ, तो जो हमेशा मस्ती करता है वो उसकी फितर मतलब जाती सिफत हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये क्या नजर आ रहा है आपको बताओ, कौन है ये, पहचानते हो आप? चिड़िया। कोयल। कोयल। कोयल है, देखो जरा अच्छे से। मैना। मैना है। हाँ, मैना है। आपने मैना की आवाज सुनी हो, सुने हो आप लोगों ने मैना की आवाज? यस। क्या होते हमारे घर पास आते हैं? बहुत आते हो। अच्छा, आपने सुने उनकी आवाज, सुने हो आपने, कैसी होती है?
बताइए हमें कैसी आवाज होती है मैना की। मैना की आवाज है ना बहुत अच्छी होती है, बहुत सुरीली होती है, जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसकी आवाज, मैना की आवाज, कोयल की आवाज बहुत अच्छी होती है, बहुत सुरीली होती है, खूबसूरत बहुत प्यारी आवाज होती है। तो बच्चों यहाँ पर मैना की कौन सी सिफत जाहिर हो रही है, उसकी आवाज कैसी है? जो सुरीली है ना ये उसकी जाती सिफत है ना, उसकी जाती सिफत है ना, उससे मुतालिक है, उसकी आवाज सुरीली होती है। जैसे कौवा, कौवे की आवाज सुने हो आपने? कौवे की आवाज सुने हो? कैसी होती है उसकी आवाज, कैसा बोलता है वो, काय काय बोलता है ना? आपको अच्छी लगती है सुनने में कौवे की आवाज? नहीं। अच्छी लगती है ना? नहीं, उसकी आवाज घटती होती है, उसकी आवाज हमको कानों को अच्छी नहीं लगती, तो हम क्या करते हैं उसको फौरन भगा देते हैं, है ना। लेकिन ये जो उसकी आवाज है तौर पे, यानी उसकी जाती सिफत है वो, उसकी आवाज वो कोयल की तरह या मैना की तरह नहीं सुरीली आवाज हो सकती, उसकी आवाज वैसी ही। अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग जो है सिफत से नवाजा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हमारा सिफत जाती आप लोगों को समझ में आया? आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है सिफत अददी। यहाँ पर देखो सिफत यानी खूबी खामी बताने वाला लफ्ज, अब उसके साथ आ गया अददी। तो अददी यानी अदद से बना है, अददी अददी अदद यानी जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए पहले हम उसकी तारीफ देख लेते हैं। सिफत अददी वो सिफत जिससे किसी चीज की तादाद जाहिर होती है। हाँ, तादाद जाहिर होती है। तादाद जैसे हमारी क्लास की तादाद क्या है, 50 है, 80 है, 40 है, लड़कियों की, लड़कों की। तो ये तादाद जाहिर करने वाला यानी गिनती। मिसाल के तौर पे देखिए, 2, 50, सैकड़ा, तीसरा, दस, दर्जन, ये सब हम गिन सकते हैं ना, तादाद बताने वाले लफ्ज है ना। तो हम सिफत अददी में पढ़ेंगे कि सिफत के साथ अदद आता है वो सिफत अददी होता है। जैसे देखिए ये आपको क्या नजर आ रहा है, तोता है। कितने तोते बच्चों, एक है कि दो है? दो है। और किस रंग के हैं ये? ग्रीन यानी हरे रंग के तोते, ग्रीन रंग के। हाँ, ग्रीन यानी हरे रंग के। तो देखिए हमारा तोता, मेरे पास दो रंग के तोते हैं। तो यहाँ पर जो है सिफत अददी कहाँ पर है बताएं हमें, कोई बता सकता है यहाँ पर? दो रंग, हाँ, तोते का रंग कैसा है? हरा। और कितने तोते हैं? दो। तो ये कौन सी सिफत हो गई बच्चों, सिफत अददी। अददी अदद जाहिर कर रहा है ना कि दो हरे तोते हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे, केला। बनाना भी बोलते हैं ना, आप लोगों को केला पसंद है? यस मिस। अच्छा, वेरी गुड। आप मतलब कच्चा केला खा सकते हो? नहीं ना, पका हुआ केला खाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए अयान ने एक पका हुआ केला खाया। अब कच्चे केले में से जो पका हुआ केला था उसमें से अयान ने एक पका हुआ केला खा लिया। तो बच्चों अभी हमें बताइए कि इसमें जो है सिफत अददी कौन से लफ्ज से जाहिर हो रहा है? एक पका हुआ, एक पका हुआ ना। तो ये कौन सी सिफत हो गई बच्चों, बताओ हमें? सिफत अददी। शाबाश, वेरी गुड। और जो बच्चे हमें कमेंट्स बॉक्स में दे रहे जवाब उनके लिए भी वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है बच्चों, पेंसिल। अच्छा जरा गिनो, तो गिन सकते हो आप पेंसिल को? गिनो, कैसी पेंसिल है बच्चों ये? छोटी बड़ी, छोटी बड़ी। अच्छा, और रंगीन पेंसिल है, रंगीन पेंसिल। यस, तो अनवर ने 6 रंगीन पेंसिलें खरीदी। यहाँ पर जो है
वो उसमें सिफत बताइए हमें, सिफत अदरी किस लफ्ज से जाहिर हो रहा है बच्चों? रंगीन पेंसिल, है ना? छह रंगीन, ये क्या हो गई हमारी सिफत अदरी। हम गिन सकते हैं तादाद के जरिए सिफत अददी हो गई। अब आपको इतना समझ में आया सिफत अददी, जिसे हम गिन सकते हैं, अदद के जरिए हम जाहिर कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी ये जो निसार किस्म है ये सिफत मिख्तारी है, यानी आप सिफत के साथ आएगी मिख्तार आएगी, पहले हम उसकी तारीफ से कहते हैं। सिफत मिख्तारी उस सिफत को कहते हैं जो किसी इस्म की मिख्तार को जाहिर करे, जिसे हम मतलब जिसे गिनना मुश्किल होता है, जिसे हम ज्यादा गिन नहीं सकते, उसे हम क्या करते हैं मिख्तार की सूरत में जाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, चंद, कई, बहुत, थोड़ा, कम, ज्यादा, है ना? ये जो वर्ड है, ये जो लफ्ज है, इसके जरिए हम चीजों की मिख्तार जाहिर करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जिसे हम जल्दी गिन नहीं सकते, आसानी से गिन नहीं सकते, जो लातादाद हो, जो अनगिनत हो। यहाँ पर देखिए पहली मिसाल, देखिए आपको क्या दिखाई दे रही है आपको, ये बताइए हमें। बुक है ना, किताबें है ना, और इतनी सारी किताबें कहाँ होती है? लाइब्रेरी में। वेरी गुड, शाबाश, लाइब्रेरी में होती है। आप लोगों को पता है लाइब्रेरी कहाँ होती है? कहाँ होती है बच्चों लाइब्रेरी? स्कूल में। हाँ, स्कूल में है लाइब्रेरी, है आपकी स्कूल में? हाँ, देखे हो ना, उसमें कितनी किताबें हैं और कौन कौन सी, बताएंगे हमें? बहुत सारी किताबें, और हर मजामीन की होती है, गजल की होती है, शायरों की होती है, नज्मों की होती है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा जुमला, लाइब्रेरी में बहुत ही कहानियों की किताबें रखी है। अब यहाँ पर हमें बताइए कि कहानियों की तादाद हम कैसे, किस लफ्ज से बता रहे हैं, उसकी मिकदार हम किस लफ्ज से बता रहे हैं? बहुत सी। हाँ, जिसे हम गिन नहीं सकते ना, गिन सकते हम नहीं गिन सकते, तो हमने इस्तेमाल किया बहुत सी। तो बहुत सी बच्चों क्या है, सिफत मिकदार की सूरत में बता दिया कि बहुत सी किताबें, जैसे आप लोगों ने कहा ना कि हमारी लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं, ऐसा कहा कि 100 किताबें है, कि 10 किताबें है, कि 15 किताबें, नहीं, जिससे आपको मालूम नहीं ना उसकी तादाद, तो आपने एक लफ्ज के जरिए जाहिर कर दिया कि बहुत सी। तो ये क्या हो गई बच्चों, सिफत मिकदारी, जिसे हम आसानी से गिन नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये कौन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? एक बच्चा है ना, वो क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। देखिए, बच्चे ने थोड़ा सा गरम दूध पिया। बच्चे ने कितना दूध पिया बता सकते हैं आप? नहीं गिन सकते ना हम। तो हमने कौन सा लफ्ज का इस्तेमाल किया? थोड़ा सा। तो थोड़ा सा क्या हो गया बच्चों, ये कौन सी सिफत हो गई है? सिफत मिकदारी, जिसे हम मिसाल की सूरत में बता दिया कि बच्चे ने थोड़ा सा दूध पिया। ठीक है, थोड़ा सा गर्म दूध पिया। अब ये देखो आपकी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? सेब का पेड़, सेब का पेड़। अच्छा, एक पेड़ है, इस पेड़ पर, अच्छा सेब है, लाल रंग के क्या है, फल है ना? हाँ। कितने हैं, गिनो जरा, गिन के बताओ। बहुत सारे हैं, है ना? और जुमले में क्या बोल सकते हैं हम बहुत सारे को? दरख्त पर कई लाल फल है, कई यानी बहुत ज्यादा। आप अगर जाते हो कोई दरख्त पे फल देखो तो आप तादाद उसकी बता सकते हो आसानी से, नहीं ना? आप बोलते हो ना कि बहुत ज्यादा या कई फल है। जैसे एक जुमला है कि किताब में आपकी के मंजा के खेत में अच्छी खासी फसल हुई। अब ये अच्छी खासी भी जो है वो मकदार बताई है फसल की। तो यहाँ पर भी जो चीज हम आसानी से गिन नहीं सकते, जो हम बराबर से उसकी तादाद को बराबर नहीं बता सकते, तो हम मकदार की सूरत में जुमला बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कई लाल। तो कई लाल क्या है बच्चों, क्या है ये हमारी कौन सी सिफत है?
सिफते सिफते मिफ्तारी सही आया ना, अगर अदद में आता तो सिफते अददी होता, ठीक है। जो चीज हम गिन नहीं सकते आसानी से उसे हम मिकदार की सूरत में बताते हैं। अब हमें बताइए कि ये क्या है, बताइए हमें क्या है ये। तारे है ना, तारे कहाँ नजर आते, कहाँ नजर आते हैं तारे? आसमान में, आसमान में। अच्छा दिन में नजर आते हैं ना, दिन में दिखते हैं आसमान में, कब दिखते हैं हमें? रात में है। अच्छा आपने देखे हैं तारों को आसमान में? यस अच्छा गिने हैं कभी, गिने हो तारे, गिने हो कितने तारे हैं आसमान में? नो ना, बहुत सारे है। हाँ बहुत सारे है, आप गिन पाओगे उसे? नहीं ना। देखिए अभी हमारा आसमान में बेशुमार चमकते तारे है, तो यहाँ पर कौन से लफ्ज जाहिर हो रहा है बताइए हमें? तारे, जो तारे है, जो स्टार है, वो कौन सी सूरत में बताई गई है? तारे बेशुमार ना, जिसे हम गिन नहीं सकते, अनगिनत होते हैं आसमान में तारे। आप गिन पाओगे तो हमें फिर काउंट करके बताइएगा, गिन सकते हो आप? नो टीचर, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये क्या है, कौन सी सिफत हुई है? सिफते मिकदारी, जिसे हम आसानी से गिन नहीं सकते, और तारे तो बिल्कुल भी नहीं गिन सकते। हाँ जैसे सूरज, आसमान में सूरज देखिए तो कितने होते हैं? दो, दो होते हैं ना सूरज, कितने हैं? एक सूरज देख, देखो एक, और चांद एक। हम आसानी से बता सकते हैं ना कि सूरज एक है, चांद एक है, लेकिन हम तारे नहीं बता सकते। तो हम क्या बोलते हैं कि बेशुमार क्या है, चमकते तारे हैं, ठीक है। बेशुमार का इस्तेमाल किया यहाँ पर, हम अनगिनत भी बोल सकते हैं, लातादाद भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो सिफते मिकदारी होती है, जिसे हम आसानी से गिन नहीं सकते, उसे हम मिकदार की सूरत में जाहिर करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक जुमला आएगा, आपको बताना है कि कौन सी सिफत है, ठीक है। जैसे देखिए पहला जुमला, तुम मजेदार कहानियां सुनते और पढ़ते भी हो, बताओ कौन सी सिफत आई है कहानी की? कहानी की कौन सी सिफत आई है, कौन से लफ्ज से जाहिर हो रहा है कहानी? कहानी सिफत, सिफत मिकदारी नहीं, कहानियां कैसी है उसकी सिफत कौन सी बता रही है? मजे, मजेदार। कैसी है कहानी, कहानी की सिफत कैसी है? मजेदार है, बहुत अच्छी। आप लोगों को अच्छी अच्छी कहानी अच्छी लगती है ना सुनने पढ़ने। हाँ तो ये कौन सी सिफत हुई, उसकी जाती सिफत हुई, तो ये सिफत जाती, समझ में आया? आप चलिए दूसरा देखिए, जैसे अरमान के पास चार पौधे टोपियां है, तो यहाँ पर हमें बताइए कि सिफत कौन सी सिफत आई है यहाँ पर, लफ्ज बताइए। हाँ यहाँ पर चार है, सिफत हुई कौन सी सिफत हुई बच्चों ये? चार फौजी, कौन सी सिफत हुई यहाँ पर? सिफत अदती, सिफत अदती। चलिए आप तीसरा देखिए, तालाब में बहुत सी बड़ी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां, बड़ी मछलियां हैं, बड़ी बहुत सी, तो ये कौन सी सिफत हो गई बच्चों? सिफत सिफत मुक्तारी। हम तालाब में जाके गिन सकते हैं बड़ी मुक्तारी, छोटी मछलियां कितनी है? मिकदारी नहीं। चलिए एक और मिसाल हम आपको बताते हैं कि हमने मीठे आम खाए, ये कौन सी सिफत हो गई इसमें? मीठा जो है ना, मीठे, इसमें ये मीठा जो क्या है, सिफत अददी है, सिफत जाती है, सिफत मिकदारी है? मीठे आम, सिफत जाती। वेरी गुड, शाबाश।
अम्मी ने मजेदार नाश्ता बनाया, तो ये कौन सी सिफत है? जाती है, खाने के बारे में बताया गया हो। अगर सिफत के साथ अदद आता है तो वो सिफत अददी, अगर मकदार की सूरत में आ रहा है तो सिफत मकदारी। समझ में आया बच्चों? आप चलिए अब यहाँ पे तो टीचर का लेसन हो गया पूरा, अब क्या करे टीचर? लेसन फिनिश कर दे, काम रह गया ना, कुछ रह गया है ना? क्या रह गया बताइए, क्या चीज रह गई आप लोगों के लिए बता सकते हो? क्वेश्चन पूछना। अच्छा चलिए अब एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आहार बताओ, चाय गरम है, इसमें इसमें कौन सी सिफत आई है और कौन से लफ्ज से जाहिर हो रही है? चाय गरम है, चाय गरम है, चाय बच्चों हमने आपसे पूछा था कि अभी टीचर ने क्या चीज नहीं दी आप लोगों को, क्या चीज रह गई है बताइए हमें, बताइए बच्चों क्या चीज टीचर ने नहीं दी अभी तक का? टीचर का लेसन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन आंसर तो हमने पूछे ना अभी आपसे, मिसालें तो पूछ लिए है ना, ये सब हमने मिसालें पूछे। आप लोगों ने देखो देखा होगा कि स्कूल में भी और हमारी जो ऑनलाइन चल रही है, हाँ, तो इसके बाद टीचर जो है आप लोगों को एक चीज देते हैं, क्या देते हैं? वो बहुत जरूरी होता है, वो होता है घर का, घर का होता है कि हर टीचर जो सब टीचर जो है आपको लेसन होने के बाद घर काम देते हैं और आपको कहते हैं कि घर काम करके आप अपने अपने टीचर को व्हाट्सअप कीजिए, है ना? क्यों देते हैं घर काम, कोई बताएगा हमें? बताएंगे कोई बच्चों के घर काम क्यों देते हैं? ऐसी के बच्चे सीखे, हाँ, क्योंकि ये जो घर काम होता है ये पूरे लेसन की जान होती है, ये निचोड़ होता है, समझे? टीचर ने क्या पढ़ाया और बच्चे ने उसको कितने अच्छे से समझा और कितने अच्छे और सफाई से वजाहत से उसने घर काम किया। अगर जब तक टीचर घर काम ना दे तो टीचर को पता चलेगा कि बच्चे को समझा कि नहीं समझा, कितना उसका लेसन कैसा था, कि बच्चे ने सिर्फ ऐसे ही टाइम पास किया या ऐसे उसके उसको समझ में नहीं आया। तो टीचर जानने के लिए हर पढ़ाई का या लेसन का एक उसूल है कि बच्चों को जो है वो घर काम दिया जाए, ताकि बच्चे जो है घर काम के जरिए टीचर को बताए कि उन्होंने टीचर का लेसन कितने अच्छे से समझा है। तो आप लोगों को चाहिए घर काम कि नहीं चाहिए, बताइए? चाहिए आपको, चाहिए चाहिए ना आपको, वेरी गुड। तो हमें भी पता चले कि हमारा जो लेसन है आप लोगों को कितना समझा, ठीक है? चलिए ये देखिए आप लोगों का घर काम, दर्सी या गैर दर्सी किताब से मंदाजा ज़ेल तीन तीन मिसालें लिखिए। पहला था सिफत ज़ाती, फिर सिफत अददी, फिर सिफत मकदारी। आपको क्या करना है, अगर आपने बहुत अच्छे से टीचर का लेसन सुना है, समझे है खामोशी से, तो आप खुद से भी इसकी मिसाल तैयार कर सकते हो, या फिर किताब से या गैर दर्सी किताब से आप ऐसे जुमले ढूंढिए जिसमें ये सिफत आई हो। समझ में आया? उसको नीचे खत खींचिए कलर पेंसिल से और लिखिए कि कौन सी सिफत है। अच्छा है ना घर काम, करोगे ना? हाँ। टीचर को क्या करना है, व्हाट्सएप पे भेजना है। देखिए सबसे पहले किस बच्चे का होमवर्क आता है टीचर को, हाँ, यानी जो बच्चे ने पहला होमवर्क किया है उसने बहुत अच्छे से टीचर का लेसन को सुना है। अब चलिए सब बच्चों ने तो जवाब दिए, जो अनम्यूट बच्चे हैं उन्होंने भी जवाब दिए है, उनके लिए ये टीचर की तरफ से दो एप्पल। एप्पल को क्या बोलते हैं उर्दू में, सेब। क्या बोलते बच्चों? सेब। सेब बोलते हैं ना आप। अभी हमने टीचर ने तो आपको गिफ्ट के तौर पे, तोहफे के तौर पे दे दिए ये सेब, अभी आप खा पाओगे ये सेब को? टीचर ने जो सेब दिया आप खा पाओगे? खाओगे ना? खा लोगे स्क्रीन पे से? खा सकते हो आप लोग? नहीं ना, तो अब क्या करेंगे? चलिए अब ये सेब आप तो खा नहीं सकते, लेकिन ये सेब के जरिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। करोगे एक्टिविटी? यस मैम।
हम छोटी सी सरगर्मी देते हैं टीचर, आपको एक छोटी सी सरगर्मी देते हैं, आपको बहुत मजा आएगा ये सरगर्मी करोगे तो। ठीक है, देखिए अब सर की सफात में उसकी अच्छाई, तादाद, जायका और रंग पर मिसालें, सेब की आपको मिसालें तैयार करना है, यानी उसकी अच्छाई, उसकी अच्छाई यानी उसके फायदे, उसके क्या फायदे है बताइए। डॉक्टर बोलते हैं ना, ईट द एप्पल एंड डॉक्टर अवे, यानी सेब खाने से बीमारियों से दूर रहोगे, सेब जो है गिजायत से भरपूर होता है। अब उसकी तादाद कितने हैं, सेब की तादाद कितनी है यहाँ पर, दो। दो। उसका जायका कैसा होता है सेब का, मीठा, मीठा, मीठा होता है। हाँ, और उसका रंग कैसा है बच्चों, लाल है, रेड है। तो आपको अपनी बुक में जो है एप्पल बनाना है, उसको कलरफुल करना है, और उसके बाद में उसकी पूरी मिसालें तैयार करना, उसकी अच्छाई पर, उसकी तादाद पर, उसकी जायके पर और उसके रंग पर। अच्छी सरगर्मी है ना एक्टिविटी, आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा, करोगे ना। हाँ करोगे। और घर आप लोग भी है जो एप्पल खाते हो कि नहीं, सेब खाते हो ना, खाना चाहिए, जितने भी फ्रूट है हमको सब फ्रूट्स खाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में क्या करते हैं बताइए, क्या करेंगे सर, अभी है और टाइम है, जावेद सर टाइम ओवर हो गया है अपना, है अगर आपको और दो तीन मिनट, नहीं नहीं बस दो मिनट बस हो गया सर, लीजिए चलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोगों ने टीचर को जो बहुत अच्छे से टाउन किया, बहुत अच्छे से टीचर के लेसन को सुना, बगौर सुना, और टीचर को ज्यादा खुशी होगी जब आप टीचर के दिए हुए घर काम को और सरगर्मी को करके व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। ठीक है, जिन्होंने जवाब दिया और जिन्होंने चैट बॉक्स में जवाब दिया, उन सबके लिए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। ठीक है बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा था।